आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय सर के बारे में, अक्षय कुमार के बारे में। मेरे लिए वो अक्षय सर हैं, हमेशा एक मोटिवेशन सोर्स हैं वो मेरे लिए। हमेशा मुझे उनसे ना मोटिवेशन मिलती है। वो किस चीज़ के लिए मोटिवेशन मिलती है मैं आज आपको बताने वाला हूँ। वो उनसे मैं हमेशा मुझे ये मोटिवेशन मिलती है कि दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमेशा करनी चाहिए। अब आप देखो ना, अक्षय सर वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है। बहुत ही वाई अक्षय सर इज़ अ ग्रेट ह्यूमन, वो एक बहुत अच्छे इंसान क्यों है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, डिटेल में बताने वाला हूँ और विद प्रूफ के साथ मैं दिखाने वाला भी हूँ। तो आप देखेंगे तो अक्षय सर हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। अक्षय सर, आपको पता होगा, अक्षय सर ने भारत के वीर नाम से एक ट्रस्ट, एक फाउंडेशन की स्थापना करी है, जिसमें हम डायरेक्टली जो हम पैसा डालते हैं वो डायरेक्टली हमारे वीरों के परिवारों, जो हमारे देश के जो शहीद हुए है ना, फौजी हैं, जो देश के शहीद हुए जवान हैं, उनके परिवारों के अकाउंट में जाते हैं पैसे। तो अक्षय सर ने उसकी भी स्थापना करी है। अब आप देखोगे तो जैसे कि हमारे पुलवामा में जो अटैक हुआ, तो पुलवामा में जो अटैक हुआ तो उसमें जो शहीद हुए जवान हैं उनके लिए अक्षय सर ने सबसे पहले आगे आए। तो उन्होंने उन्हीं के भारत के वीर फाउंडेशन ट्रस्ट में उन्होंने 5 करोड़ रुपए का डोनेशन किया। इस तरह अगर आपने देखा होगा अपने न्यूज़पेपर में भी आप देख सकते हैं, अक्षय सर ने 2016 के अंदर जिन किसानों ने आत्महत्या की थी उनके परिवारों को 90 लाख रुपए का डोनेशन दिया। तो मतलब जब उनसे इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि मैं इसके बारे में, मतलब जो मैंने जो हेल्प करी, मतलब जो मैंने जो करा है इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। तो मतलब वो हमेशा इसको दूर रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन मीडिया उनको पूछती है इसके बारे में, तो फिर उनको कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है। इस तरह से आप देखेंगे तो अभी जब कोरोना वायरस की महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा पीक पे चल रहा था, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस, तब अक्षय सर ने 80 करोड़ रुपये का, वो अपने घर पे टीवी देख रहे थे, टीवी देखते देखते उन्होंने देखा कि भाई कि काफ़ी ज़्यादा कोरोना के केसेस महाराष्ट्र में आ रहे हैं और महाराष्ट्र में हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो अक्षय सर गए, उन्होंने 80 करोड़ रुपए का चेक बनाया और उसी समय जाकर के वो 80 करोड़ रुपए का चेक उन्होंने जाकर के महाराष्ट्र सरकार के हैंड ओवर कर दिया। इसी तरह से आप देखेंगे तो अक्षय सर ने पीएम मोदी सर को भी 25 करोड़ रुपए, पीएम मोदी फंड केयर में उन्होंने 25 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया। तो वो हमेशा आगे आकर के डोनेशन देने का मतलब ये नहीं, मतलब डोनेशन वो किसी अपनी बढ़ाई के लिए डोनेशन नहीं कर रहे, वो डोनेट इसलिए कर रहे हैं कि वो ना सच्चे देशभक्त हैं। सच्चा देशभक्त वो होता है जो हमेशा सही समय पर अपने देशवासियों की मदद करे, हेल्प करे, और ये चीज हमेशा अक्षय सर ने की है। अगर आप देखो, उन्होंने खाली किसानों की और देश के वीर जवानों की उनकी हेल्प नहीं करी, उन्होंने हमेशा हर लेवल पे जहां उन्हें लगता है कि मुझे हेल्प करनी चाहिए तो वो आगे आकर उन्होंने करा। देखा अपने देखो अगर पहली बार इंडिया में ट्रांसजेंडर हाउस की स्थापना हुई तो उसमें भी अक्षय सर ने 1.5 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया। तो इससे हमें पता चलता है कि वो कितने अच्छे इंसान हैं, वो ट्रूली बाय हार्ट वो दिल से एक अच्छे इंसान है। अब इसके साथ साथ अब जैसे कि असम में फ्लड आया तो वहां पे भी अक्षय सर ने 1 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया। तो वो क्यों हर जगह जाकर के लोगों की मदद कर रहे हैं? उसका एक ही मोटिव है कि उनके दिल में सबके लिए जगह है। तो ये मेरा वीडियो बनाने का ये मोटिव है कि जो अक्षय सर हमेशा लोगों की मदद कर रहे हैं। तो अगर आप देखें, एक पर्सन हर जगह आगे आकर के खड़ा हो रहा है, लोगों की हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है जब भी जरूरत पड़ रही है। तो अगर हमारी कंट्री में बहुत सारे रिच लोग हैं, काफी सारे रिच हैं, तो अगर वो भी इस तरीके से डोनेट करना शुरू कर दें, वो भी लोगों की हेल्प करना शुरू कर दें, तो मुझे लगता है कि हमारी कंट्री में कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कोई भी क्राइसिस आएगा, तो हम सब लोग मिल बांट के उसको सॉल्व कर सकते हैं। चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो किसी है ना और भी कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कोरोना से जैसी और भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, अगर फ्यूचर में भगवान ना करे ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, तो हमें सभी लोगों को मिल करके, सभी मतलब जो रिच पीपल हैं तो वो सभी लोगों को मिल करके हेल्प करेंगे। तो जैसे अक्षय सर कर रहे हैं, इज अ रोल मॉडल, सबके लिए एक रोल मॉडल है, मेरे लिए तो है। तो इसी तरह से बाकी लोग भी करते हैं तो हमारे क्राइसिस हम सॉल्व कर ज़्यादा से सकते हैं। ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, इसके बारे में बताएंगे, तो काफ़ी सारे लोगों को अक्षय सर की
बारे में ये चीज़ें पता चलेंगी कि वाई अक्षय सर इज़ अ ग्रेट ह्यूमन, वो एक अच्छे इंसान क्यों हैं और वो हमेशा दूसरों की मदद कर रहे हैं, तो शायद इस चीज़ ये चीज़ें आगे आती हैं, इस तरह की वीडियोज़ आगे आते हैं, काफ़ी सारे लोग देखते हैं, ये वीडियो वायरल होता है तो काफ़ी सारे लोग इसको देखेंगे। तो इससे क्या होता है कि कुछ और लोग भी हैं जो इंडस्ट्रीज़ में, चाहे वो बिजनेसमैन हैं, चाहे वो फिल्म स्टार्स हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में हैं, तो वो लोग भी आगे आ सकते हैं, उन तक भी ये वीडियो पहुँचती है, तो आगे चल के वो भी डोनेशन मतलब दूसरों की हेल्प करने के लिए आगे आएँ। तो वीडियो बनाने का मेरा यही मोटिव है कि दोस्तों आप इसको वायरल कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद के लिए आगे आए। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस।